नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिश्नोई स्थित धामपुर की, जहां शांति एकता समिति के बैनर तले लिहाफ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह एवं धामपुर पुलिस क्षेत्र अधिकारी अजय कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। समिति के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया गया। मंचासीन अतिथियों में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह, पुलिस क्षेत्र अधिकारी अजय कुमार अग्रवाल, संरक्षक यशपाल तुली, संरक्षक देवेंद्र सलूजा, अध्यक्ष सरदार सतवंत सिंह सलूजा का समिति के सदस्यों द्वारा बैच लगाकर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों द्वारा नटराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धनवीर सिंह, पुलिस क्षेत्र अधिकारी अजय कुमार अग्रवाल, पंकज तोमर को स्वर उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा, आज का यह कार्यक्रम जैसा कि बताया गया है, दो चीज़ों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सतवंत जी का आज जन्मदिन है, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। आप शतायु हों, दीर्घायु हों, आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। गुरु महाराज जी के आप छाया में रहते हैं और आपका बालवाका वैसे भी नहीं हो सकता। और जिस संस्था का आपने गठन किया है, बताया गया 3-4 दिन पहले, जो शांत एकता समिति, जिसके बैनर तले हर धार्मिक समुदाय के लोग एकत्रित हैं और समाज में अपना योगदान प्रस्तुत करने के लिए, सहायता करने के लिए एकत्रित हैं, और उसी का ये पहला कार्यक्रम है जो कम्बल वितरण, लिहाफ रजाई वितरण का है, जो सहयोग के लिए। लेकिन लिहाफ दे तो रहे हैं, बहुत कुछ 100 या 1000 का होगा, लेकिन आशीर्वाद लेंगे उसके बदले बहुत अमूल्य। तो ये व्यापारी लोग हैं, ये कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं, लाभ ही लाभ रहता है। लगता है कि दे रहे हैं, लेकिन उनकी मनसा है लेने की। तो जितने आए हुए यहाँ पर पिता समान माता समान आए हुए हैं, तो अपने आशीर्वाद देने में सतवंत जी को नहीं, पूरे जनपद को, पूरे समाज को आपके आशीर्वाद की, आपके दुआओं की आवश्यकता है। और सच बात है कि किसी के, जैसे एक्सीओ साहब बता रहे थे, कि सहयोग तो कई प्रकार का हो सकता है, केवल आर्थिक मदद ही नहीं, अच्छा बोल करके भी कर सकते हैं, सहयोग करके भी। और तुली जी तो जीवन भर इन्होंने ज्ञान दिया है, और इससे बड़ा सहयोग और दान या देना क्या हो सकता है। और आजकल तो हमेशा तमाम ऐसी संस्थाएं बन गई हैं सलाह देने के लिए। सीए क्या करता है, वो भी तो आपको आर्थिक सलाह देता है। पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, वो भी सलाह देता है। तो इस रूप में हम एक दूसरे का सहयोग अनेक रूपों में कर सकते हैं, ये बात अलग है। जो स्थूल रूप में हम देते हैं वो दिखाई देता है, जो सूक्ष्म रूप में हम सहयोग करते हैं दिखाई नहीं देता है, जबकि उसकी महत्ता, उसकी गुणवत्ता और सार्थकता कहीं ज़्यादा है। और जिस किसी का भी विकास हुआ है, उन्नति के शिखर पर है, आर्थिक सहयोग से नहीं हुआ है, वरन किसी न किसी के कृपा से, आशीर्वाद से, दुआओं से हुआ है। तो आज सबका मिला जुला यहाँ पर समागम है, और जिस उद्देश्य के लिए आपकी समिति का गठन हुआ है, गुरु महाराज जी से, ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना है, उसमें दिन दोनी रात चौगुनी उसमें तरक्की हो। सभी अतिथियों द्वारा शरतमंदों को सर्दी से बचावे तो लिहाफ वितरित की गई। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सरदार सतवंत सिंह सलूजा ने जानकारी देते हुए बताया, हमारा संदेश यही है कि जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है और नगर के सभी सामाजिक लोगों ने ये सोचा, प्रयास किया कि शांति एकता समिति द्वारा सर्दी के ठंड के मौसम में गरीब लोगों को जो है रजाई लिहाफ वितरण किया जाए, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके और मानवता की रक्षा की जा सके। क्योंकि आप हम सब लोग जानते ही हैं, हर धर्म में यही बताया गया है कि मानवता की सेवा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, उसी को
देखते हुए शांति एकता समिति ने आज यहाँ पर गरीब असहाय लोगों को 200 लिहाफ वितरित करने का निर्णय लिया था, जो कि यहाँ पर जो है वो 200 लिहाफ वितरित किए जा रहे हैं। जिन लोगों को पर्ची दी गई है, जो लोग आज नहीं आ पाए हैं उनके पास पर्ची होगी, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं तो वो सुबह को भी अपनी पर्ची दे करके लिहाफ ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में जो सर्दी से बचाव के लिए हमारे गरीब असहाय लोग हैं उनकी मदद करना शांति एकता समिति का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए आज 30 तारीख को जो है, जबकि आज हमारा जन्मदिन भी है, तो हमने ये सोचा सभी लोग मिल करके आज इस अपने जन्मदिन के अवसर पर भी इस पुण्य कार्य की शुरुआत की जाए। तो शांति एकता समिति ने उसी कार्य को आज से प्रारंभ करते हुए, क्योंकि आप जानते ही हैं गरीब की दुआ जो है उसे जो है, यदि हमें सब लोगों को, आप लोगों को हमें सब मिल गई तो समझ लीजिए उससे बड़ी जो है कोई अच्छी बात नहीं होती। इसलिए गरीबों के लिए ये कार्य किया गया। धन्यवाद। कार्यक्रम का सफल संचालन इरशाद मंसूरी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में महासचिव हिमांशु विश्वास, अतुल गुप्ता, जावेद रहमान शमसी, आशीष राजपूत, हरभजन सिंह मिनिस्टर, दीपक जैन, कपिल तुली, एसपी सलूजा, जाहिद खान, सलमान फरीदी, सुहेल डिजाइनर, हाजी हसन सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।